कुछ दिन पहले खबर आई थी कि वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के बाहर पृथ्वी जैसा ग्रह खोज लिया है, जिसका नाम K2-18b है। यह 124 प्रकाश वर्ष दूर है। धरती का बढ़ता प्रदूषण, बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या, सामाजिक मनमुटाव इतना ज्यादा हो गया कि लोग त्रस्त हो चुके हैं और कहीं सुदूर गहरे अंतरिक्ष में बसने के ख्याल से रोमांचित हो जाते हैं। महान भौतिकी वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मानव को खुद का अस्तित्व बचाना है तो उसे किसी दूसरे खगोलीय पिंडों पर अपना बसेरा बनाना होगा। अब आते हैं किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बसने की समस्या पर। K2-18b नामक ग्रह, जिसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया है, जो कि पृथ्वी से बहुत बड़ा है, यहाँ तक जाने के लिए यदि सबसे तेज उपलब्ध यान का प्रयोग किया जाए तब भी लाखों साल लग जाएंगे। यदि प्रकाश की गति से जाएं, जबकि यह असंभव है, तब भी 124 साल में मानव वहाँ पहुँच पाएगा। चलिए मान लेते हैं वहाँ पहुँच गए, फिर वहाँ का तापमान, हवा, मिट्टी, खनिज, पानी, पेड़ पौधे, गुरुत्वाकर्षण, वहाँ के जीवों से सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। हमारी धरती करोड़ों अरबों साल के बाद मानव के रहने लायक बनी है। आज जो भी जीवन हम देख रहे हैं वह बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ है। इससे निष्कर्ष यही है, किसी भी ग्रह पर बसना अभी संभव नहीं है। हमें अभी पृथ्वी का ही सही से देखभाल करना चाहिए। अंतरिक्ष से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।